अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं और कोरोना वायरस से मिल के लड़ रहे हैं, राइट? तो आज की हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है. आज हम बनाएंगे शैंडलियर्स फॉर बॉयज रूम एंड फॉर गर्ल्स रूम. यस, थैंक यू आरिस. ओके, वेट. ओके, जिसके लिए मुझे आपसे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपसे मुझे चाहिए पुराने, आपके पास अगर पर्ल्स हो, कुछ ऊन हो, कोई लेसेस आपके पास हो, कुछ रिबन्स हो, कोई भी कपड़ा हो जिस पे हम रैप कर सकते हैं. इस तरह की हमें पेपर पिंस चाहिए जिनमें हम इस तरह के घुंघरू लटकाएंगे. बीड्स चाहिए, बीड्स आपके पास हो, और पॉम पॉम्स अगर हो तो दैट विल बी ग्रेट. कुछ फेदर्स, कुछ पुराने बटन्स और कुछ रिबन्स, और एक हैंगर मेटल का जो होता है. अगर मेटल का हैंगर नहीं है तो आपके पास कुछ वायर जैसी चीज़ होगी तो वो आप दे दें. अगर वो भी नहीं है तो लैम्प्स, पुराने लैम्प्स के जो कवर्स होते हैं ना, वो आप मेरे लिए रख लें, ठीक है? सो आई विल सी यू एट 5 o'clock. जस्ट कलेक्ट ऑल योर एक्सेसरीज एंड वी आर गोना मेक अमेजिंग शैंडलियर्स टुडे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सरवत गिलानीज आर्ट हाउस. एंड टुडे वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग क्लास जिसमें दो एक्टिविटीज हैं. एक मैं शैंडलियर बना रही हूँ. ये देखिए मैंने कितना मजे का शैंडलियर आप लोगों के लिए बनाया है. नाउ ये मेरे पास एक मेटल का हैंगर था जो आप लोगों के भी घरों में होगा, और उस मेटल के हैंगर को मैंने आहिस्ते 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 करके बिल्कुल राउंड शेप में कर दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने एक एक करके उस पर डेकोरेशंस की है, जैसे आपके पास रिबन्स हों, कुछ लेसेस हों, कोई पॉम पॉम्स हों, और इस तरह का ऊन हो जिस पे मैंने जिसकी मैंने चोटी बांध ली है, ठीक है? सो दिस विल लुक सो नाइस इन गर्ल्स रूम्स. और ऊपर मैंने फिर पर्ल की स्ट्रिंग्स जो होती हैं आपके पास, मेरे पास थी, आई थिंक बच्चे ले गए, पर्ल की मेरे पास दो एक स्ट्रिंग थी, उसको मैंने बीच से काटा और यहाँ से लगा दिया, और यहाँ से एक रस्सी मैंने बांध दी, और यहाँ से एक रिबन बांध दी, और फिर मैंने उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें लटका दी. सो इट गिव्स अ वेरी नाइस शैंडलियर काइंड ऑफ अ फील, ठीक है? अब उसी तरह मैं आपको ये करना बताऊँगी. मेरे पास दूसरा हैंगर नहीं था वायर का, इसलिए मैंने वायर ले लिया है इन इटसेल्फ, ठीक है? आपके पास पेपर पिंस हो, आप पेपर पिंस की ऐसी चेन बना सकते हैं, एक के अंदर एक डाल के, और फिर उसमें मैंने घुंघरू लटका लिए हैं, क्योंकि घुंघरू बहुत अच्छी आवाज़ भी करते हैं जब जब वो हिलते हैं तो वो एक अच्छी सी फील आती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसमें कोई लाइट लगाएं बीच में, बट ये आप बच्चों के कमरे के कोने में एक हैंगिंग तरीके से भी, डेकोरेशन के तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना? अब देखें, मैं ये पेपर पिंस की लड़ी बना रही हूँ ताकि हम इसमें फिर कुछ ना कुछ हैंग कर सकें, और अगर हैंग नहीं भी करना तो जस्ट ऑन इट्स ओन आई थिंक इट विल लुक वेरी वेरी क्यूट, ठीक है? ये हमारी यहाँ पे लटक गई. अच्छा, इसी तरह मैंने हर इसमें एक एक घुंघरू डाल दिया है. ये वाली लड़ी मैं इधर डाल दूंगी, ठीक है? ये हो गया. फिर मेरे पास कुछ लेस बची हुई थी, तो इस लेस को मैंने लिया और मैंने इस लेस को यहाँ पे लेके टर्न करके, या तो मैं ग्लू भी लगा सकती हूँ या मैं टाँका लगा सकती हूँ. मैं लगा दूंगी टाँका बिकॉज इट्स ईजियर फॉर द लेस टू स्टे. सॉरी, ये मुझे पहले से करके रखना चाहिए था, बट इट्स ओके, ठीक है? मैंने ये लिया. और आपके पास कोई भी पुरानी एक्सेसरीज हो आप उसमें इस एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये मेरी लेस है, इसको मैं यहाँ पे एक टाका लगा दूँगी. मेक श्योर करें जो टाके का एज है वो अंदर की तरफ आए ताकि वो नज़र ना आए, ठीक है? देयर गोज आवर टाका.
और ये बहुत क्यूट लगता है। अब मैं आपको इसमें जो नेक्स्ट बताऊंगी वो बताऊंगी कि हमने लैम्प के शेड्स को किस तरह यूटिलाइज किया है। सो मेरे पास एक लैम्प का शेड था बहुत पुराना और वो ख़राब हो गया था और उसको मैंने लिटरली बस एक कोने में ऐसे ही रखा हुआ था। उसके शेड का मैंने सारा कपड़ा उतारा, उसकी सारी लेस उतारी जो भी साइड पे लगी हुई थी, अच्छा, और वो हमने रिफर्बिश किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये देखें जैसे हमारा ये बनता जाएगा। ठीक है, एंड मेक श्योर करें क्योंकि सर्कल होता है, इट्स अ बिगर सर्कल, तो जितने लाइक अगर तीन तीन आप वही चीज़ का तीन तीन बार उसको रिपीट करें, जैसे मैंने एक लेस लगाई, अब मैं ये दूसरी लगा रही हूँ और फिर मैं तीसरी लगाऊंगी, ताकि चारों तरफ से सर्कल की रेपिटिशन वही चीज़ों से नज़र आए। एंड मैंने बॉयज़ के लिए भी बनाया है, बॉयज़ का भी ये बहुत क्यूट लगता है, उसमें आप इनके टॉयज़ भी हैंग कर सकते हैं। सो लाइक लेगो आपने हैंग कर दिया, लेगो मैन हैंग कर दिया, और इस किस्म की ये चीज़ें आप डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड दिस इज़ अ लॉट ऑफ फन, आप स्पेशली गर्ल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बॉयज़ ये सब कुछ काम ज़्यादा शौक से करते नहीं हैं तो उनके लिए इनको इन्वॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम आप उनसे स्ट्रिप्स बनवा सकते हैं पेपर के, जो इस पे हम लटका सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। फिर मैंने बहुत सारा सुई धागा लिया और मैंने इस तरह के बीड्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। एंड ये मैं करती रही हूँ सारी रात कल, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, तो मैं थकती भी नहीं हूँ, और क्योंकि मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं करती रहती हूँ। आई होप आप लोगों को भी इतना ही मज़ा आए जितना मुझे बनाने में आप लोगों के लिए मज़ा आता है। अनदर थिंग, मुझे लंदन से बहुत सारे लोगों ने टैग किए हैं, जार्स बनाए हैं, सदका जार्स बनाए हैं और बंटिंग्स बनाई हैं, विच मेड मी सो सो हैप्पी। यू नो, ये पूरी दुनिया में लोग इसको क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं एंड आई कुडंट बी मोर हैप्पियर। अच्छा, तो मैंने इस तरह की बीड्स के साथ यूँ लड़ियाँ बना ली हैं, उन लड़ियों को मैं यहाँ से जोड़ दूँगी। ठीक है, एंड अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट, दो तीन लड़ियाँ बना के हम रिपीट करेंगे ताकि वो कंटिन्यूटी उसकी अच्छी नज़र आए चारों तरफ से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास थोड़ी सी रिबन बची थी और थोड़े से बीज बचे थे, तो मैंने देखे उसको भी यूटिलाइज़ कर दिया है। हम कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाने देंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें यूटिलाइज़ हों, और ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके घरों में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। सो यू रियली डोंट हैव टू वरी कि हम ये बाहर से कैसे लाएंगे सामान और ये कहाँ से लाएंगे सामान और ये कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, सो ये हमने कर दिया, ये हमने लगा दिया। देखें हमारी ये शैंडलियर की शक्ल ऑलरेडी सामने आ रही है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम ऊन से किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। ऊन को हम आपको अगर चोटी बनाने आती है, यू नो, हम बचपन में बहुत गुड़िया के बाल बनाते थे और चोटियाँ बनाते थे, हम उनके साथ भी ऐसे ही करेंगे और हम उनकी चोटियाँ बना के उनको लटका सकते हैं। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह उसको लटकाना चाहते हैं। आप खुले भी ऊन, यू नो, जस्ट स्ट्रिप्स में काट के लगा सकते हैं, आप उसकी चोटी भी बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यू रियली रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब एक हमने वहाँ लगा दिया, एक हम इस तरफ लगा देते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी फन एक्टिविटी, इट्स सो मच फन कि मैंने लिटरली, मुझे 4 घंटे लगे ये सब बनाने में रात को स्पेशली ये, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि ओ माई गॉड मैं बहुत थक रही हूँ और मेरे पास टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है मेरा, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगा। सो ये आप 2-3 दिन में कर सकते हैं, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी डन इन 1 डे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब हम लेंगे कुछ
अब लेंथ मुझे उतनी ही रखनी है। अब ऐसी मैं तीन लड़ी काट लूँगी। मैंने नई सिज़र्स ख़रीद ली हैं, शुक्र है, तो अब मेरे पास सही सिज़र्स आ गई हैं। ठीक है, द बेस्ट वुड बी इफ़ यू आस्क समबडी कि वो ये होल्ड कर ले और फिर आप बना दें। अगर वो नहीं भी है आपके पास कोई होल्ड करने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज आप कोई भी पिन लें, इस तरह किसी भी सरफेस पे उसको लगाएं और इसकी पहले एक गिरा बांधनी है आपने। ठीक है, मेरे समटाइम्स टीज एंड जीज एंड एस बहुत बुरे हो जाते हैं, तो देखें हमें एक्टिंग में, आप लोगों ने कभी देखा मुझे टीज एंड जीज एंड बीज बुरे होते हुए? नहीं ना, हम बड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है जी, ये आपने कहीं अटकाया और अब आपने इसकी एक ब्रेड बांध ली एंड जस्ट अ स्मॉल ब्रेड। इस ब्रेड के बीच में आप पर्ल लगा सकते हैं, इस ब्रेड के बीच में आप घुंघरू लगा सकते हैं, बेल्स लगा सकते हैं, जो आपको दिल चाहे आप वैसा बना सकते हैं। ठीक है, और नॉट नेसेसरली कि आप तीनों एक ही रंग के वो यूज़ करें, आप तीन अलग कलर्स के भी कर सकते हैं। दैट विल बी अ लॉट ऑफ फन टू, स्पेशली फॉर गर्ल्स, यू नो गर्ल्स लाइक कलरफुल थिंग्स, तो उनके लिए ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है कि पूरा दिन वो आप उनसे कहें कि जी बैठ के आपने कोई 20 लड़ियाँ बनानी है डिफरेंट, सो देन यू कैन इमेजिन कि गर्ल्स कितनी बिजी रहेंगी, स्पेशली यंग गर्ल्स। इट्स रियली क्यूट एक्टिविटी, इट कीप्स एवरीवन हैप्पी एंड बिजी। तो नानी दादी से भी कह सकते हैं कि भाई वो भी इन्वॉल्व हों और वो भी इस तरह का हमें ये स्ट्रिप्स बना के दें। ठीक है जी, ये हमारी बहुत मज़े की क्यूट सी ब्रेड बन गई है और इसको एंड में हम बंद कर देंगे। आज मेरे पैसे गुम गए बहुत सारे, आई एम रियली सैड, मुझे वो देने थे किसी को और बस अल्लाह बेहतर जानता है, शायद किसी और ज़रूरतमंद को वो मिल गए हो। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑल्दो मुझे बहुत डांट पड़ी आज। ठीक है, ये हमने किया और हमने इसको यहाँ से यूं करके एक गिरा बांध दी। ठीक है, ये देखें आहिस्ते आहिस्ते हमारी ये बहुत क्यूट सी शैंडलियर तैयार हो रही है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, कोई भी रिबन हो आपके पास उस पर यूं करके आपने बटन्स लगा देने हैं। ठीक है, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस एक्टिविटी, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। ये पॉम पॉम्स है, पॉम पॉम्स को मैं आपको ये लंबा धागा डाल के पॉम पॉम्स की भी हम लड़ी बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह बनाएंगे। तो क्योंकि ये ज़रा टेक्निकल थी और इसमें छोटे बच्चे लेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट यू कैन आस्क देम टू पेंट यू स्ट्रिप्स, पेंट कर लें, ग्लिटर कर लें, इस तरह के बटन्स चिपका दें यू नो रिबन्स पे, और बहुत कुछ कर सकते हैं फिर भी बच्चे इसमें। ठीक है ना, सो वी डोंट वॉन्ट टू लीव द किड्स बिहाइंड एंड वी डोंट वॉन्ट देम टू फील that we are not taking them on with this. ठीक है, फिर बीच में आपने इस तरह की beads डाल दी, ये हमारी already string है। buttons भी आप बहुत मज़े से लगा सकते हैं, buttons की best part ये होता है कि वो बहुत colorful होते हैं और वो बहुत cute लगते हैं। ठीक है, हमने एक ये pom pom ले लिया, एक पिंक कलर का पॉम पॉम ले लिया, सो द होल आइडिया इज़ दैट इट शुड लुक कलरफुल एंड इट शुड लुक वेरी वेरी क्यूट एंड यू नो यू कैन गो अहेड एंड डू एनीथिंग। मैंने इसमें अपने पुराने बुंदे या कोई मेरे पास जो ब्रोजी दैट मेरा ये शैंडलियर आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ठीक है ना,
एंड आई एम रियली एक्साइटेड. तो इसके ऊपर हमने रिबन्स भी लगा दिए हैं, पॉम पॉम्स भी लगा दिए हैं, लेस भी लगा दी है और ये मज़े के घुंघरू भी लगा दिए हैं. एंड यू कैन डिस्टेंस इट हाउ एवर यू वॉन्ट, कि जितना आपको गैप चाहिए हो या डिस्टेंस चाहिए हो. और इस तरह की आप रिबन्स भी लगा सकते हैं. अब मैं इस रिबन से आपको इसका हैंगर जिस पे ये हैंग करेगा वो बनाना सिखाती हूँ. ठीक है, तो हमने इसको बीच से काटा. अच्छा जी, हमने एक तरफ लेके इसको यूं गिरा बांध दिया. ठीक है, और इसको हम डबल कर लेंगे जस्ट सो इट डजंट गो आउट ऑफ इट्स प्लेस. ठीक है, और हमने इस वाली को इसके ऑपोजिट बांध दिया, इसकी दूसरी साइड को. इसका ये साइड हो गई है. अब जो दूसरी हमारे पास रिबन बची थी, अगेन आप दो अलग कलर्स भी ले सकते हैं, तीन कलर्स भी ले सकते हैं, चारों अलग अलग कलर्स भी ले सकते हैं. इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट फॉर द गर्ल्स रूम. आई थिंक द गर्ल्स आर गोना गेट रियली एक्साइटेड टू सी दिस. आई वाज मोस्ट एक्साइटेड माईसेल्फ. ठीक है, आपने उतना ही देखा कि वो उतना ही आ जाए और फिर हम ये यहाँ से यूँ कर लेंगे. और अगर ये थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है तो आप उसको ऑलवेज एक टाका लगा सकते हैं ताकि उसका बैलेंस आउट ना हो. ठीक है गाइस, लुक एट दिस क्यूट शैंडलेयर. ठीक है, ये हमारा दूसरा शैंडलेयर बन गया. इतने सारे शैंडलेयर्स मेरे पास जमा हो गए. ठीक है गाइस, सो दिस इज अनदर शैंडलेयर. ये देखिए, ये खुद ही लटके हुए भी कितने क्यूट लग रहे हैं ऑन देयर ओन. अब मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि हम इसकी अंदर की लड़ी कैसे बनाएंगे. उसके लिए मुझे आपसे चाहिए एक लेस. अच्छा, अब हम लेस भी ले सकते हैं, पर्ल्स भी ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो दिल चाहे. ठीक है, तो जैसे हमने ये वाली जो एंड होगी पर्ल्स की या लेस की, उसको आपने यहाँ से सिलाई करना है और फिर थोड़ा सा छोड़ के गैप आपने उसको यहाँ से सिलाई करना है. सो सी, इट विल गिव लाइक अ शैंडलियर लुक. ठीक है, अब ये हमारी एक एक्टिविटी हो गई है. इसको मैं इधर ही लटका देती हूँ. This is a bad idea. ये बहुत खतरनाक हो जाएगा इसके लिए. और ओके, ठीक है गाइस, इसको मैं अभी फिलहाल एक और जगह रख देती हूँ. ठीक है, सो ये हमारे दोनों शैंडलियर्स रेडी हैं. इनकी मैं आपको फाइनल पोजिशन लेके आपको पिक्चर भी दे दूंगी. अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लैम्प के कवर्स के साथ क्या किया है. ये देखिए कितने मज़े का ये एक आर्ट पीस ऑन इट्स ओन लग गया है. अच्छा जी, पहले मैंने इसका जो ओरिजिनल कवर था उसको मैंने हटाया, उसको सारा रिप ऑफ कर दिया. ठीक है, फिर मैंने एक कपड़ा लिया काला. ये मेरे पास एक रिबन, मतलब एक ट्राउज़र का टाई अराउंड था, उसको मैंने बीच से खोला और उसकी सिलाई निकाल दी. ठीक है, और फिर मैंने उसको आधा कर लिया. तो ये था इतना चौड़ा, ये इतना चौड़ा था और इसको मैंने आधा कर लिया. एंड देन आई कट इट ऑन अ लिटिल मोर फर्दर सो इट कुड बी अ लिटिल मोर स्लिमर. सो आइडियली द साइज शुड बी दिस मच दैट यू यूज टू रैप द मेटल पार्ट अराउंड. ठीक है, फिर मैंने उसको काले कपड़े से जब फाइनली मेटल कर लिया, फिर मुझे ये थोड़ा डार्क लगा. मुझे लगा कि ये बच्चों के कमरों के लिए थोड़ा डार्क है. तो मैंने क्या किया कि ब्लू ऊन लिया, वुल लिया और उसको टाई अराउंड कर दिया रैंडम जगहों से. और फिर मैंने इसके गैप्स को, सो आई वुड
according to however you want. You do a design. So I did crisscross and then I did vertical lines and then I did a like a horizontal lines. ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये accessories चिपका दिए. So ये मेरे पास एक pin थी फहद की, मेरे ये कोई एक brooch था, फिर मेरे पास एक मेरा ये mooch थी, ये tie pin थी, not tie pin, this is a coat की यहाँ पे जो लगती है पिन. ठीक है, फिर मेरे पास एक क्यूट सी ब्लैक शार्क फिन थी और मेरा अपने बुंदे थे. फिर मेरे पास एक मेरे अब्बू की बहुत अच्छी पॉकेट वॉच थी, उसको भी मैंने लगा दिया. और फिर मैंने फिर मेरे पास एक क्यूट सी ब्लैक शार्क फिन थी और मेरा अपने बुंदे थे. फिर मेरे पास एक मेरे अब्बू की बहुत अच्छी पॉकेट वॉच थी, उसको भी मैंने लगा दिया. और फिर मैंने छोटी छोटी एक्सेसरीज से इसको भर दिया है. एक बो थी, उसको लगा दिया है. सो यू कैन प्रिटी मच डू एनीथिंग यू वांट. इसके ऊपर आप लेस से भी यूं कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेसेस से. अगर आपको लड़कियों के लिए बनाने हैं तो ये देखें, ये इस तरह कर करके आप पूरी उसको कवर कर सकते हैं, लेस से कर सकते हैं. अगेन just to add in a bit of color, I'd like to put in a few things in front of you so aapko pata ho ki ye main kis tarah dal rahi hu. theek hai ji, ye dekhiye maine ye dal diya. mujhe ek pom pom cute laga to main kahin pom pom dal dungi aur uske liye mujhe ek bas sui dhaga chahiye hoga. but so the idea is ki you make something that you like, right? And it could be anything. So you redo ये lamp. मेरे पास इतने सालों से पड़ा हुआ था और इसका कुछ नहीं हो रहा था, और तो मैंने सोचा कि इसको हम utilize करते हैं. इसके अंदर if you want to add more color, you can just go ahead and wrap it around with another ribbon. ठीक है ना? So I just want to give you examples so that you guys can do this according to your liking. ठीक है, it's fairly simple. और इसको मैंने यूं किया and then I'll just take it around so that it has a bit of color. I hope आप सबको ये क्लासेस मज़े की लग रही हों. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के लिए क्लासेस करते हुए. although रमज़ान का टाइम है, it gets a little crazy. मैं क्लासेस ख़त्म होती हैं और मैं किचन में भागती हूँ, बट देन आई कॉन्ट मिस दिस, राइट? बिकॉज हमारे बच्चे क्या करेंगे, मम्मीज जब किचन में चली जाएंगी तो. ठीक है ना? तो ये देखें, ये कितने मज़े से रैप हो गई है. मुझे आप लोगों ने ट्रीज़, बटन ट्रीज़ को बहुत पसंद किया एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स टू. I really like making that tree. Every time I do make it, I get a lot of appreciation for it. So thank you guys for trying out all these amazing art activities with me. ठीक है, इसको आप neatly काट सकते हैं and all. I'm just making this very quickly so that I can show you the end result. ठीक है guys, करीब लाएँ, ज़रा मैं ये घुमाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से आप इसको देखें और इसमें कुछ भी लगाना आप चाहते हो आप वो लगा सकते हैं. ये मैं एक्टिविटी आपके सामने इसलिए नहीं कर सक रही थी बिकॉज इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया. यू कैन स्टिक बटन्स हियर, यू कैन स्टिक आईज हियर, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, यू कैन पुट फेदर्स समवेयर. इट रियली इज अप टू यू. ठीक है जी, हम मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सब बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे भी दिखाएं. इसमें भी आप इस तरह की चेन्स लगा सकते हैं, पेपर पिन्स की चेन लग जाए और मज़े की लगे वो. आप बेसिकली जो दिल में आए चाहे आप वो लगा सकते हैं इसमें. दैट्स द फन बिट ऑफ इट, दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ इट लाइक एनीथिंग दैट यू वॉन्ट. ठीक है, ये देखें कितने मज़े की. एंड दैट्स द फन ऑफ आर्ट, यू नो, कि आप
जो मर्जी आए आप उसमें देखें एंड देन स्टेप अवे फ्रॉम इट, पीछे हट के देखें कि कैसा लग रहा है वो। जैसे हमारी आर्ट टीचर कहती थी कि बहुत देर जब हो जाए आपको कोई भी आर्ट करते वक्त, तो पीछे हटें और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें और फिर देखें कि वो कैसा लग रहा है। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू डू दैट। आई मिस माई आर्ट टीचर्स एंड आई होप दे आर वेल इन दिस कोरोना, यू नो, लुक एट दिस। सो बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दीज वर आर टू एक्टिविटीज ऑफ टुडे। एक लैम्प शेड्स को हमने आर्ट फॉर्म में किया और इसको हम वापस से लैम्प के ऊपर भी वापस उसकी जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि शायद इसमें बिजली ना आए, ठीक है, बट यू कैन ऑलवेज गिव इट अ शॉट। सो आई होप यू लाइक टुडेज एक्टिविटीज। आई थरली इंजॉयड मेकिंग देम। दिस इज़ अ शैंडलियर फॉर द गर्ल्स रूम एंड दिस इज़ अ लैम्प फॉर द बॉयज़ रूम। और ये भी आप जल्दी जल्दी करके मुझे बताएं। और आई होप, और हाँ, चांद सितारा अगर आपको इसमें भी डालना हो, आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधें यूं क्रॉस में और उसके बीच में आप यहाँ चांद सितारे लगा सकते हैं। एंड सेम वे आपको इसके बीच में कुछ चाहिए हो, आप यहाँ से लेके यहाँ चांद सितारा लटका सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम। ये दो एक्टिविटीज़ आपने दो दिन में करनी है, एक आज और एक कल। और मैं मिलूंगी आपसे परसों। Until then, you take care and have a great time.